आज हम बेंथम एंड हुकर बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स आज हम बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के अगले स्टेप के बारे में बात करेंगे। कल मैंने आपको शॉर्ट आउटलाइन दिया था कि बेंथम हुकर ने किस तरह से जो प्लांट्स हैं सीड प्लांट्स उनको डिवाइड किया था। अभी हम डायकॉट्स के बारे में बात करें। डायकॉट्स को उन्होंने क्लास में डिवाइड किया पॉलीपैटली, गैमोपैटली, मोनोक्लमाइडी, तीन क्लासेस में। ठीक है, तीनों क्लासेस के अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। पॉलीपैटली में जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, कल भी मैंने आपको बताया था कि कैलिक्स और करोला, मैंने जो सबसे बाहर वाला चक्र होता है जिसको आप बाह्य दलपुंज कहते हैं और दलपुंज, ये फ्री होते हैं, मुक्त होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, इसमें पॉलीपैटली क्लास के अंदर अगर आप देखेंगे तो तीन सीरीज हैं और 15 ऑर्डर्स हैं और लगभग 82 या 83 फैमिलीज हैं। शॉर्ट में यहाँ आपको दिखा रखा है। पहली सीरीज है थैलेमी फ्लोरी, जिसमें कि पुष्प जो है वो जायंगधर होता है, ये हाइपोगाइनस होता है। इसका मतलब ये है कि जो जो गाइनोशियम होता है, जायांग होता है, वो सबसे ऊपर पोजिशन पर स्थित होता है और बाकी उसके नीचे स्टेमन्स या पुंकेसर होते हैं, फिर पैटल्स होते हैं, फिर नीचे सेपल्स होते हैं। इस तरह से उसका अरेंजमेंट होता है। इसमें 6 गण हैं और करीब 34 फैमिलीज़ हैं। 6 गणों में रानेल्स, पराइटेल्स, पॉलीगैलनी, कैरोफिलिनी, गटीफेरल्स, मालवेल्स ये आते हैं। दूसरा सीरीज जो है वो डिसीफ्लोरी है। डिसीफ्लोरी के अंदर जो फ्लावर्स हैं हाइपोगाइनस हैं, डिस्क ओवरी के नीचे बताया था, और 4 ऑर्डर इसमें जिरानिल्स, ऑलकेल्स, सेलेस्ट्रेल्स, सेपेंडल्स। कैल्सीफ्लोरी में 5 गण हैं, 27 फैमिलीज हैं, रोजेल्स से स्टार्ट होती है और एम्बलेल्स, ये 5 जो ऑर्डर हैं ये इस तरह से हैं। और हर एक के ब्रैकेट में मैंने आपको नंबर ऑफ फैमिलीज लिखी हैं, जैसे रोजेल्स में 9 फैमिलीज हैं, मिरेटेल्स में 6 फैमिलीज हैं, पैसीफ्लोरल्स में 7 फैमिलीज हैं, फिकॉइडेल्स में 2 फैमिलीज हैं, एम्बलेल्स के अंदर 3 फैमिलीज हैं। ठीक है, कैल्सीफ्लोरी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कैलिक्स जो होता है, यानी बाह्यदल पुंज होता है, उसमें सेपल्स यूनाइटेड होते हैं, लेकिन दल जो होता है वो मुक्त होता है, मींस पेटल्स फ्री होती हैं, और ओवरी इन्फीरियर या तो सबसे नीचे हो सकती है या फिर ऊपर हो सकती है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। अब रेनन इसकी बात करें, थैलेमी फ्लोरी में पहला जो गण है रेनेल्स, रेनेल्स में आपके सिलेबस में जो फैमिली है वो रैनेनक्यूलेसी है, जो रेड में लिखा है, दिखाया है मैंने आपको। 8 इसमें फैमिलीज हैं। फ्लोरल पार्ट्स, फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं वो सारे फ्री होते हैं, और ये जो गण है ये प्रिमिटिव माना जाता है, तो इसमें नंबर ऑफ पार्ट्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो और बहुत सारे होते हैं, जैसे अंडप या कार्पल्स देखेंगे तो बहुत सारे कार्पल्स होंगे। अधिकांश फैमिलीज में आप देखते हैं कि सर्कल में अरेंज होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको स्पाइरल अरेंजमेंट मिलेगा, ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। ठीक है, रेनेल्स जो है वो स्टार्ट होता है रेनन्क्यूलेसी से और ख़त्म होता है 8 फैमिलीज में, 8वीं फैमिली जो है वो निम्फिएसी है। ठीक, दूसरा जो ऑर्डर है इसमें, छठे 6 ऑर्डर्स में से दूसरा ऑर्डर वो है पराइटेल्स। पराइटेल्स में 9 फैमिलीज हैं। ठीक है, पत्तियाँ इनकी एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं, अनानुपर्णी होती हैं। एक एक क्लास में एक इसका भी लूँगी कि जिसमें कि आपको टर्मिनोलॉजी एक बार एक्सप्लेन करूँगी, काफ़ी सारे प्लांट्स के एग्जांपल लेके एक बार वो देखेंगे, पर अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि पत्ती जो होती है जहाँ से निकलती है वहाँ उसकी डंडी के पास में अगर कोई संरचना छोटी सी है तो उसको स्टिप्यूल बोलते हैं, अनुपर्ण बोलते हैं। अगर वो उपस्थित है तो अनुपर्णी पत्ती कही जाती है, अगर वो अनुपस्थित है तो वो अनानुपर्णी या एक्सटिपुलेट होती है। तो पराइटेल्स में लीव्स आर एक्सटिपुलेट। आप इसमें मस्टर्ड के प्लांट को इमेजिन कर सकते हैं, और गाइनोशियम जो होता है 2 से लेकर के ज़्यादा तक हो सकता है। संयुक्त तांडव भी होता है, मीन्स फ्यूज्ड कार्पल्स होते हैं, एक कंबाइंड ओवरी बनाते हैं। ठीक है, इसमें जो आपके सिलेबस में है वो क्रूसीफेरी और कपैरिडेसी, ये 2 फैमिलीज आपके कोर्स में हैं। स्टार्ट होता है सरसिनेसी से और बिक्सिनी पर यह ख़त्म होता है। तीसरा ऑर्डर पॉलीगैलनी है, 4 फैमिलीज़ हैं, पिट्टोस्पोरी से लेकर के वॉची सीएसी पर ख़त्म होता है। फिर चौथा जो गण है कैरियोफिलिनी, फ्रैंकेनिएसी से टमरसिनी,
ये ऑर्डर इनकी फैमिलीज आपके कोर्स में नहीं, तो इसमें मैं डिटेल्स में आपको नहीं बता रही हूँ कुछ ज़्यादा, क्योंकि आपको आउटलाइन देना होता है। पांचवा जो ऑर्डर है वो गति फरेल्स है, इलेटिनी से स्टार्ट होकर के क्लोनेसी पर ये ख़त्म होता है। छठा जो ऑर्डर है मालवेल्स, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, मालवेल्स में जो प्लांट है उनमें हर तरह का आपको प्लांट मिलेंगे, हर्बेशियस भी मिलेंगे, पेड़ भी मिलेंगे और वो भी मिलेंगे, बहुत सारे सीजनल प्लांट्स, जैसे हॉलीहॉक है प्लांट, वो हर्बेशियस है, आप गुड़हल का देखेंगे तो वो पेड़ भी मिलती हैं आपको, बेल के रूप में भी मिलता है, इस तरह के भी होते हैं। तो यहाँ पर लीव्स जो होती हैं वो एकांतर क्रम में व्यवस्थित हैं, अनुपर्णी अनुपर्ण होता है, स्टिपुलेट होते हैं, लीव्स आर अल्टरनेट, मतलब एक इधर उसमें, अब अल्टरनेट में कई सारे अरेंजमेंट होते हैं, वो हम बात करेंगे डिटेल्स में। कॉरोला जो है ट्विस्टेड होता है ज़्यादातर, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मालवेल्स की वो ये है कि जो एंड्रोइशियम होता है वो पूरा का पूरा एक कंबाइंड ग्रुप बनाता है, जिसको हम बोलते हैं एक संगी, दिस कॉल्ड मोनो एडाल्फस, मैंने एक ग्रुप बनाया और वो एक ट्यूब के फॉर्म में रहता है। गाइनोशियम जो होता है जायंग, वो भी संयुक्त कांड भी मिसफ्यूज होते हैं, नंबर बहुत वेरी करता है, यहाँ पर एक से लेकर के बहुत सारा नंबर तक हो सकता है। और एग्जाइल प्लेसेंटेशन होता है, मीन्स सेंटर में प्लेसेंटा होता है और पार्टीशन रहते हैं उसमें, और उसका उसके अंदर हर एक चैम्बर में एक या दो सीड्स होते हैं। तो नंबर जितना जितना नंबर ऑफ कार्पल्स होंगे उतना स्टिग्मा लोब्स होते हैं ऊपर, सपोज पांच कार्पल हैं तो पांच होंगे, दस हैं तो दस हैं, इस तरह से होता है, कार्पल जुड़े हैं, ठीक है। और इसमें जो फैमिली आपके सिलेबस में, दैट इज़ मालवेसी, इसके कैरेक्टर्स अगर आप देखेंगे तो इसमें मालवेसी के अंदर एपिकेलिक्स, मतलब जो बाह्य दल होता है उसके बाहर में एक और चक्र होता है, उसको एपिकेलिक्स बोलते हैं, और वो चक्र को ऐसा माना जाता है कि ये जो ब्रैक्स होते हैं उनका चक्र है, मतलब ब्रैक्स बहुत छोटे छोटे होकर उन्होंने सर्कल बना लिया, तो वो एपिकेलिक्स है। और जो एंथर्स होते हैं यहाँ पर वो एक कोष्ठी होते हैं, जब आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तो देखेंगे डाइथीकस और मोनोथीकस इस तरह के होते हैं, तो ये जैसे सोयाबीन का बीज होता है या आपका चावले के बीज होते हैं किडनी शेप, उस तरह के एक कोष्ठी पुंकेसर या मोनोथीकस एंथर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप कुछ एग्जांपल जो मैं आपको बता रही, जो मैंने आपको ये देखे हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए, ये ब्रासिका है, क्रूसीफेरी जिसको बोलते हैं, अगर आप देखेंगे पेटल्स आमने सामने हैं चार और एंथर्स इसमें छः होते हैं, डिटेल्स में हम बाद में बात करेंगे, सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए कि आपको ये कौन से प्लांट्स हैं। ये जो इतना खूबसूरत सा प्लांट देख रहे हैं जो गुलाब के जैसा लग रहा है, ये रेनिनक्यूलस है, आप देख सकते हैं कितने सारे पेटल्स इसमें हैं, और कार्पल्स जो हैं इसमें दिख नहीं रहे लेकिन कार्पल्स इसमें फ्री होते हैं। ये एक और प्लांट है जो रेनिनक्यूलस की दूसरी स्पीशीज़ है, इसमें नंबर ऑफ पेटल्स कम है, ये वाइल्ड टाइप का है, और इसमें आप देखेंगे बहुत सारे एंथर्स आपको दिख रहे होंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, और कार्पल्स भी बहुत सारे होते हैं, स्पाइरल में अरेंज होते हैं एक एक्सिस के ऊपर में। ये मालवेसी का प्लांट है, आप सब लोग इसको पहचानते हैं, गुड़हल का पौधा है, फ्लावर देख रहे हैं आप, पेटल्स आपको दिख रही हैं, पत्तियाँ दिख रही हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा एनलार्ज करेंगे तो आपको स्टिपल भी इसमें दिख जाएगा, अनुपण। मोनो एंडरफस कंडीशन, यहाँ पे आपको एक ट्यूब दिख रहा है, येलो कलर के एंथर्स बहुत सारे दिख रहे हैं, और ऊपर जो रेडिश कलर में ऑरेंजिश कलर में दिख रहा है वो इनके स्टिग्मा लोब्स हैं। गुड़हल में क्योंकि पांच लॉक्यूल्स होते हैं, पांच कार्पल्स होते हैं, तो आपको पेंटा फाइव पांच इसमें आपको स्टिग्मा लोब्स दिखेंगे, अगर ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा दिखते हैं। ये पेपावरेसी फैमिली है, पेपेवर बहुत खूबसूरत फ्लावर होता है, कैलिक्स करोला दोनों पैटलॉइड हैं, और बहुत न्यूमरस आपको इसमें यहाँ पर स्टेमन्स दिख रहे होंगे, ब्लैकिश कलर के वाइटिश कलर के, इसके ऊपर ये जो ग्रीन के ऊपर बहुत रोम रोम वाला जो दिख रहा है ये इसका फ्रूट है पॉपी का, शॉर्ट में इसको खसखस कहते हैं, इससे पॉपी प्लांट है तो इससे मॉर्फिन भी बनती है, इसका डिस्क बहुत खूबसूरत होता है, ठीक है। ये जो है ये अम्बली फैरी ग्रुप है, अम्बली फैरी फैमिली अम्बिलेल्स ऑर्डर, गण जो है वो अम्बिलेल्स, ये तीसरे उसमें आएगा कैल्सिफ्लोरी में, पर मैंने दिखा दिया कि ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि जैसे छाते में तनियाँ होती हैं या व्हील में एक जगह से सेंटर से निकलती हैं और बहुत सारी वो निकलती हैं तार निकलते हैं, बराबर लंबाई होती है उनकी, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे एक पॉइंट से बहुत सारे फ्लावर्स निकलते हैं।
और उनकी लंबाई ऑलमोस्ट बराबर बराबर होती है। तो दिस इज कॉल्ड अम्बलीफेरी, अम्बल पुष्पक्रम है ये, खास इंपॉर्टेंट फीचर है उसका ग्रुप का। ये लेग्यूमिनोसी की सब फैमिली एक सिजलपिनोइडी, अमलतास का पेड़ है ये। इसमें आपको पेंडेंट ये पुष्पक्रम दिख रहा है, फ्री पेटल्स होते हैं, 9+1 इसका अरेंजमेंट होता है एंथर्स का। दिस इज क्लियोम, टेपेरिडेसी फैमिली का प्लांट है। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें गाइनोफोर एरेंड्रो गाइनोफोर होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लंबी लंबी पतली सी डंडी वाइट पुष्प के पास में दिख रही है और एंथर्स दिख रहे हैं, दैट इज़ एंड्रोफोर। और उसके ऊपर थोड़ा सा और स्टॉक हटा करके ये कार्पल बड़ा हुआ दिख रहा है आपको, वो गाइनोफोर है। तो इसमें कपैरिडेसी फैमिली, एंड्रो गाइनोफोर या कभी कभी गाइनोफोर ये सब होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें रही आपकी। बाकी ये डिस्क्रिप्शन में आपको दे चुकी हूँ पॉलीपैटली में कि कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। अब हम चलते हैं ऑर्डर रैनिल्स के ऊपर। रैनिल्स के अंदर रैनिनकुलेसी फैमिली जो कि आपके कोर्स में है, उसका मैं शॉर्ट में थोड़ा सा पॉइंट्स बता रही हूँ कि क्या क्या होते हैं। बाकी डिटेल्स में पॉइंट हम तब करेंगे जबकि फैमिली हम करेंगे। इसमें बाह्य दल, दल, पुंज, कैलिक्स एंड करोला फ्री होते हैं। स्टेमन्स बहुत सारे होते हैं, आमतौर पर हम बहुत सारे तब बोलते हैं जब नंबर उनका 10 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए 10 से ज़्यादा होता है, अभी आपने देखा भी है इसको रैनिनकुलेस में। कार्पल फ्री होते हैं, स्पाइरली अरेंज होते हैं, जनरली एक एक्सिस के ऊपर चारों तरफ स्पाइरल अरेंजमेंट में होते हैं और बहुत खूबसूरत अरेंजमेंट दिखता है ये। और फ्रूट जो है वो फॉलिकल या एकिन होता है। सेकेंड जो आपके सिलेबस में ऑर्डर जो है, पराइटेल्स, पराइटेल्स में फैमिली क्रूसीफेरी। अभी हम उसको क्रूसीफेरी के नाम से नहीं जानते हैं, आप जानते हैं नॉमेनक्लेचर में हमने पढ़ा, नाम इसका चेंज हो गया 2000 में, दैट इज़ ब्रैसिकेसी। प्लांट्स ज़्यादातर इसमें हर्बेशियस होते हैं, आप देख लीजिए ब्रैसिका का, देख लीजिए ब्रैसिका की बहुत सारी स्पीसीज हैं, गोभी, पत्ता गोभी, शलगम, सरसों, सरसों की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं मस्टर्ड की, वो सब सब आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये इसमें हर्बेशियस शाकीय प्लांट्स होते हैं। अनुपण नहीं होता है, एक्सटिपुलेट है। एंड्रोशियम 6 एंथर्स होते हैं, 4 बड़े और 2 छोटे, 2 बाहर जो छोटे होते हैं वो बाहर के चक्र में होते हैं, 4 जो बड़े होते हैं वो अंदर के चक्र में होते हैं। गाइनोशियम में इनिशियली वो एक ही उसमें चेंबर होता है, लेकिन बाद में एक फॉल्स सेप्टम इसमें बन जाता है, तो वो बाद में अगर आप मेच्योर फ्रूट देखेंगे तो आपको 2 चैम्बर्स उसमें दिखते हैं, उसको रैपलम बोलते हैं जो कूट सेप्टम होता है। ये इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। फैमिली पेपरवेरेसी में जो बाह्य दल होता है उसमें 2 या 3 मेंबर्स होते हैं, कैलिक्स जो है बहुत जल्दी झड़ जाता है इसके अंदर, पेटल्स का नंबर 4 होता है, एंथर्स काफ़ी सारे हैं जैसे आपको मैंने फिगर में फोटो में दिखाया था, फ्रूट जो है कैप्सूल होता है और जो डिस्क है उसके नीचे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, उनके थ्रू वो बीज जो है वो बाहर निकलते हैं। तीसरी फैमिली जो इस ऑर्डर की आपके सिलेबस में कपैरेडेसी, बाह्य दल, दलपुंज, मीन्स कैलिक्स, करोला 4 होते हैं, फ्री होते हैं, एंथर्स बहुत सारे होते हैं। कार्पल 1 चैम्बर होता है उसमें गाइनोशियम के अंदर। और पराइटल प्लेसेंटेशन, ये थोड़ा सा आप वो करिए नेक्स्ट क्लास में, जब भी दो इस क्लासिफिकेशन के बाद में हम टर्मिनोलॉजी एक बार डिस्कस करेंगे। पैराइटल प्लेसेंटेशन और गाइनोफोर, मतलब जो गाइनोशियम को कैरी करता है वो इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, सीरीज डिसीफ्लोरी, आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट जो भी हमारा उस सेशन होगा उसमें हम दूसरी बाकी 2 सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, डिसीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी के बारे में।